हेलो एवरीबॉडी, आज आप लोगों का फिजिक्स का पेपर था। तो फिजिक्स में कुछ बच्चों से मैंने अभी रिव्यू लिया जो कि अभी एग्जामिनेशन दे के निकले। तो फिजिक्स का जो पेपर था वो आसान पेपर था, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल था जिसको कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि कंफ्यूजिंग था, लेकिन पेपर लेंदी नहीं था, पेपर आसान था। जिस तरह से सैम्पल पेपर वगैरह में दिया हुआ था लेंदी पेपर, वैसा पेपर नहीं आया था। पेपर मैथ के कंपैरिजन में आसान पेपर था और थोड़ा कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल था, जिसके वजह से उसमें कुछ लोगों को थोड़ा टाइम मिला, मतलब लगा, और कुछ गलती होने का चांसेस उसी में। तो एज ए फिजिक्स का पेपर देखा जाए तो फिजिक्स का पेपर आसान था, जिसको स्टूडेंट आसानी से 90 मिनट में कंप्लीट कर सकते थे और अच्छा पेपर दे सकते थे। एक चीज़ और याद रखें, जब पेपर लेंदी होता है या जब पेपर मतलब टफ होता है या आउट ऑफ सिलेबस आता है, तो उस क्वेश्चन को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे मार्क्स देने का चांसेस ज़्यादा होता है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि पेपर हो सकता है कि रिपीटेड चेकिंग हो, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि सर मल्टीपल में रिपीटेड चेकिंग का मतलब क्या होता है। मल्टीपल में रिपीटेड चेकिंग का मतलब ये है कि अगर आप आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं या कुछ भी मार्क किए हैं या जो पेपर लेंदी है, जो क्वेश्चन लेंदी है उसको मार्क किए हैं, तो कुछ भी मार्क किए तो उस पर आपको मार्क्स मिल जाएगा। रिपीटेड चेकिंग का मतलब ये होता है। तो फिजिक्स का पेपर आपका अच्छा था, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आप लोगों का नेक्स्ट केमिस्ट्री का पेपर है, तो केमिस्ट्री के अच्छे से तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।